मैंने कहा ये सूरजमुखी का डाल देती हूँ, चले पानी भर के ले। चले पानी भर लाते हैं। आज ही पानी जाना हमारे साथ, ये देख सकते हैं इस चारे को लगा था पानी और साथ वो नाला, ये नाला चल रहा था वहाँ से, फिर पानी भर के इनको भी डाल दिया था मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि पानी नज़दीक था तो मैंने कभी भर देते इसको भी और इसे भी। मैंने तकरीबन 12 एक बजे की बात है तो इनको भी मैंने भर दिया था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा कि ये पानी खुश्क हो चुका है, वो सिर्फ थोड़ा सा बच चुका है। और माशाल्लाह हरे भरे हुए खड़े हमारे पौधे कह रहे हैं हमारी सब्जी जाना माशाल्लाह। और ये करेले की बेल इस तरफ ऊपर जा रही है देखें, और वहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ जी, ये लगे खड़े हैं जी हमारे ब्लैक बैंगन, और इसे फूल भी लग रहा है ये देखें माशाल्लाह, इसे भी लग रहा है। तो जी पानी हमने सारा भर लिया है, ये बतरा कि अल्लाह का शुक्र हुआ कि आज ट्यूबवेल चला हुआ है और सुबह से चला हुआ है और पानी सब भरा था और आज भी भर दिया है। और अभी जी आज मैंने बनानी है तंदूर पे मीठी रोटियां, तो मैं बना रही हूँ जी बैंगन। आज हमने बैंगन भी फ्राई करने हैं और फर्स्ट टाइम तंदूर चलाना है, और तंदूर पर शहजाद साहब ने कहा है कि गुड़ वाली मीठी रोटियाँ भी बनानी है। तो यहाँ पर जी जो आलू बैंगन है ना वो मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है, और शहजाद साहब को भी ये फ्राई वाले जो है ना वो अच्छे लगते हैं, जब भी लेके आते हैं हम जो है ना ये फ्राई वाले ही बनाते हैं। तो इनको मैंने कट कर लिया है, और ये जी लेके आए थे टमाटर कच्चे कच्चे लेके आए हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो, फ्रिज में तो जैसा भी पड़े हों वो ख़राब नहीं होते, लेकिन ऐसे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इतने कच्चे लेकर आए हैं लेकिन फिर भी ये देखना जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जी जल्दी करते हैं तैयारी, कट मैंने कर लिए हैं और बस अभी मसाला बनाने लगी हूँ। तो जी मैं पेस्ट बना रही हूँ लहसुन अदरक का, इसका अच्छी तरह जो है ना पेस्ट बना के बाहर निकाल लेंगे, बाकी खुश्क मसाला जो है फिर उनको कूट के और ये पेस्ट जो है लहसुन अदरक का उसमें डाल देंगे। क्या कर रही हो अब्दुल्हादी? अब्दुल्हादी को टायर चलाते हुए आपको अपने बचपन तो याद आ रहा होगा, अब्दुल्हादी जो है ना वो अक्सर भू भू यानी कि आपको पता ही है गाड़ियाँ जो है इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, और अक्सर जो है ये अपनी चौकियाँ कभी इसकी गाड़ी बना लेता है, कभी ये टायर जो है इसके पापा स्पेशल जो है वो टायर लेके आए कि अब्दुल हादी से बड़े शौक से खेलता है। ये आपकी गाड़ी है? सच्ची अल्हम्दुलिल्लाह जी बैंगन भरना जो है मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, और मसाला जो है ना बड़ा ही खुशबूदार मज़ेदार बन गया। शहजाद साहब जो है ना एक तो मुझे पहले कह देते हैं कि मिर्च आपने कम रखनी है, अभी तकलीद कर देते हैं कि मिर्च आपने कम रखनी है, और साथ ये भी कह देते हैं कि बस जो है ना वो करारी मज़ेदार होनी चाहिए। जारी बात है जिस चीज़ में सालन में जो है ना वो मिर्च या फिर मसाला थोड़ा कम होगा तो वो फिर नॉर्मली बननी है ना। तो आज मैंने जो है ना वो माशाल्लाह जो है ना बड़ा स्पाइसी जो है ना ज़्यादा मिर्चें डालकर, मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए बिल्कुल भी मिर्च जो है ना बहुत कम यूज़ की है। तो जी मैं अभी लगा रही हूँ मिट्टी का लेप भी कहते हैं और लेप भी कहते हैं। हो गया गरम और अभी वन डालते हैं बैंगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you.
तो ये हमने रख दिया बैंगन फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे जी मैं अभी गुड़ वाला जो है मीठा आटा गूंदने लगी हूँ। ये देखें जी रूह अफजा जो है मैंने गुड़ वाला बना लिया माशाल्लाह से जी। ये देखें गुड़ तो नहीं था, शक्कर जो है मैंने उस दिन दिखाया था वो शदा सब लेके आए थे। और इसका गूंद लेते हैं जी आटा। अल्हम्दुलिल्लाह जी गुड़ वाला आटा जो मैंने गूंद के एक साइड पे बर्तन में रख दिया है। और अभी जी मैं गूंद रही हूँ नमकीन, क्योंकि जो है ना वो सारी हमने मीठी थोड़ी खानी है। ये तो एक जैसे बुज़ुर्गों का कहना है कि जब पहली दफ़ा जो है वो तंदूरी जलाएं तो उसमें मीठी रोटियाँ बनानी चाहिए, एक रस्म की रस्म ही है समझ लें। और ये जी हमारा दूसरा आटा जो है नमकीन मैंने एक साथ वो भी गूंद लूँ। और माशाल्लाह से जी बैंगन भी साथ साथ फ्राई किए जा रही हूँ। मिट्टी की हांडी में ये चलो टेंशन नहीं होती ना कि सालन जो है वो लगता नहीं है, हांडी जलती नहीं है, साथ जो है मैं चम्मच भी ला रही हूँ। तो जी आटा मैंने गूंद दिया और साथ जो शहजाद साहब ने जो है ये मुझे प्याज और लाल टमाटर जो है वो काट करके दे दिए। और अभी फिलहाल तो इसमें लग रहा है माशाल्लाह से जी आज बड़े ही स्पाइसी बनेंगे, करारे करारे जैसे शहजाद साहब कहते हैं, मिर्चे कम हो लेकिन करारे बनने चाहिए, तो आज ऐसा ही होगा। और माशाल्लाह से जी लुक से लग रहा है कि बहुत ही स्पाइसी बने हैं। अब इसको थोड़ी देर जो है ना वो ढांप के रखेंगे। मैं साथ जो है तंदूर वो जलाने लगी हूँ। तंदूर की जो है वो रोटियाँ मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वैसे तो मैंने कभी जो है मीठी रोटी भी नहीं बनाई तंदूर पे और ना ही इतना ज़्यादा मैं लगाती हूँ। तो जी कहते हैं कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख जाता, जो भी करता है इंसान खुद ही करता है। और काम जितना भी मुश्किल हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने से आता है। तो जी अभी ढाम के रख देते हैं और आग जो है बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, क्योंकि अगर नीचे उतार लें तो फिर भी काफ़ी देर जो है बाद में पकती रहती है। और ये यहाँ पे इसमें लगा देते हैं क्योंकि पहले दफा। तो जी तंदूर जलाना हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी तक तो जो तंदूर जलना बड़ा ही मुश्किल हुआ खड़ा है, और उससे ज्यादा जो है मुश्किल मुझे सोच रही है कि मैं रोटियां कैसे लगाऊंगी। तो माशाल्लाह से जी तंदूर जो है इतना लाल हो गया, मुझे तो लगा जो सही जो है ना पता नहीं कैसा, पहली दफ़ा जो तंदूर जला रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से जी बड़ा लाल सुरख हो गया और रोटियाँ पकाने के लायक हो गया अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटियाँ लगाना हमने स्टार्ट कर दी हैं। और मैंने अपने उस्ताद को बुला लिया यानी अम्मी को बुलाया मैंने, क्योंकि मैंने कहा पहली दफ़ा जो है एक मीठी रोटियाँ बनानी है, दूसरी तो मैं लगा लेती हूँ लेकिन मीठी रोटी जब मैंने कभी भी नहीं लगाई। मैंने कहा सर जो आटा मैंने गूंदा वो सारा तंदूर में गिर जाए। और मैंने अम्मी से कहा कि थोड़ी सी हेल्प कर दें, और अम्मी माशाल्लाह जो है ना वो मीठी रोटियाँ बना रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी दो रोटियाँ जो हैं वो बन गई हैं और अभी दूसरी लगाते हैं। तो जी अम्मी जो है वो चली गई है और अभी आज जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी सजा सब खाएंगे रोटियां आज ऐसी बनेंगी, क्योंकि पहले पहले जो है ना काफी दिन बाद में रोटियां बनाई है और पहले पहले हाथ मेरे इतना जल रहा है, दो तीन दिन लगाऊंगी ना तो फिर जो है ना जैसे एक चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस तो वैसे अभी हो जाएगी, एक दफा लगा लूंगी फिर दूसरी दफा मुश्किल नहीं होगी। लास्ट पे अब्दुल हादी की छोटी सी रोटी बची और जब अब्दुल हादी की भी रोटी लग गई है।
अच्छा मुझे इतना ज्यादा मुश्किल लग रहा था कि मैंने कहा पता नहीं आज मेरा क्या बनेगा, तंदूर जलाना, तंदूर पे रोटियां लगाना, लेकिन माशाल्लाह से जी जो है ना वो बड़ी एक तुम्मी आ गई थी और एक जो है पहले भी मैं लगाया करती थी, इसलिए जो है ना मुझे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, बस मेरा दिल ही डरे जा रहा था कि पता नहीं आज मेरा क्या बनेगा। शहजाद साहब को क्या रही थी कि आज जो है तंदूर ना जलाएं फिर कभी जला लें। तो माशाल्लाह ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह आज जो है ना वो हमारा खाना बड़ा ही मजेदार है, कुछ डिफरेंट सा है। सबसे पहले तो तंदूर की रोटियां और ये क्या आपकी ये खाने की, और आज इतने ज्यादा मजे के बैंगन बने हैं ना स्पाइसी, और शहजाद साहब की पसंद के बने हैं जी करारे करारे। एक और शहजाद साहब की पसंद की चीज बनी है जी आज है लस्सी, माशाल्लाह आज तो लगी जी मौजे। बिस्मिल्लाह, देखिए तंदूर की रोटी और साथ है जी लस्सी, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा मेहनत हुई, यकीन माने मैं थक गई हूँ, शायद जो है ना वो खड़े होकर मुझे हड्डी रोटी करनी पड़ती है और उस चीज की मैं आदी नहीं हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आदी हो जाऊंगी। और इस टाइम जो है ना मेरी टांगे बड़ी दर्द करती है, और यहाँ पे जी अब्दुल्ला की जो तबीयत काफी खराब हो चुकी है, पहले नॉर्मल थी लेकिन हम दवाइयां लेते रहे और अभी जो है ना वो ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो अभी खाना खाने के बाद इनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसलिए मैंने झूले में डाल दिया ताकि जो है ना वो ज्यादा मुझे तंग ना करे। तो यार देखो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आज का व्लॉग और मेरे आज की तंदूर की रोटियां आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी प्यारी सी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।